पूजा पाठ में प्रसाद क्यों बनाया जाता है, यानी पूजा पाठ में प्रसाद क्यों बनाया जाता है, यह क्यों होता है ऐसा? जी हाँ, आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, आपको इस बारे में मालूम चल जाएगा। कौन सा एक जीव है जो कि वह लाल रंग का नहीं देख सकता है, उस जीव का क्या नाम है? मैं आपको बता देता हूँ कि उस जीव का नाम है गिलहरी, यानी कि देहाती भाषा में कहा जाता है उसको रुखी। रुखी को लाल रंग नहीं देख सकता है। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दुनिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? एक ऐसा देश है जो कि सबसे छोटा देश है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसमें कितने लोग रहते हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर मात्र 1000 ही लोग रहते हैं। उसका क्षेत्रफल 110 एकड़, यानी कि 110 एकड़ ही उसका क्षेत्रफल है। वहाँ उस देश का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी देश को सबसे छोटा देश है। मेरी वीडियो अच्छा। दुनिया में सबसे अधिक कौन से जगह पर हवा बहता है, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक यहाँ पर हवा बह जाता है? मैं आपको बता देता हूँ कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया। पर्थ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक हवा बहता है। और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। सूर्य पश्चिम की ओर किस देश में उगता है, यानी कि कहाँ पर उगता है, किस देश है, किस पृथ्वी पर, किस जगह? एक ऐसा जगह है जहाँ सूर्य पश्चिम की ओर से उगता है। जी हाँ, वरुण। वरुण ग्रह एक ऐसा है जहाँ की सूर्य पश्चिम की ओर से दिखता है उगते हुए और पूर्व की ओर डूबता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दो। और कौन सा झील है जिसमें खारे पानी यानी कि नमकीन पानी है, वहाँ उसमें केवल नमकीन पानी है? जी आपको बता देता हूँ कि उस झील का नाम क्या है, कैसिपियन। कैसिपियन एक ऐसा झील है जिसमें खारे पानी सबसे अधिक है। जी उसका गहराई कितना है, 184। भारत में कौन सा एक झील है जो कि मीठे पानी है, जिस झील के अंदर एक तैरता हुआ आपको राष्ट्रीय पार्क में दिखता है? जी उल्लर झील। एक उल्लर झील है जिसका पानी मीठा होता है, उस झील के अंदर राष्ट्रीय पार्क भी तैरता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा। दुनिया में सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी कहाँ पर है, वह किस देश में है? जी आपको मैं बताता हूँ कि कांगोसिया। कांगोसिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, वह कहाँ है? यूएस। यूएस में कहाँ है? यूएस में वाशिंगटन। वाशिंगटन में है। जी उसका निर्माण कब हुआ, 1800 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ, जो कि सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहा जाता है। मेरा अगर वीडियो अच्छा। दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है जो कि सबसे बड़ा दुनिया में स्कूल है? जी हाँ, वह भारत में स्थित है, भारत में लखनऊ में है। उस स्कूल का नाम है, यानी कि उस स्कूल का नाम है सिटी मोंटजेरिया। सिटी मोंटजेरिया स्कूल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कहा जाता है, वो लखनऊ में स्थित है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे देश को। किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है? जी हाँ, वहाँ पर इतने झील है कि वहाँ पर 26 व्यक्तियों को अगर खड़ा करा दिया जाए तो उसके बाद झील नहीं आता है। उस जगह का क्या नाम है? जी हाँ, फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पर अधिक झील है, झीलों का देश कहा जाता है। मेरे वीडियो विश्व की सबसे पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहली कौन सी है? मैं आपको बताते हैं उस कंप्यूटर का क्या नाम है। जी हाँ, एनईक। एनईक एक ऐसा कंप्यूटर है जो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। मेरे वीडियो अच्छा लगा। यह खेल राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और यह कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल। जी हाँ, यह 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर ही हॉकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मैं चैनल है। पूजा पाठ में क्यों प्रसाद को बनाया जाता है, सेव संतरा नारंगी यह सब क्यों रखा जाता है? प्रसाद में ऐसा क्या नियम है कि फलों का रखा जाता है? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यह राज है, मैं आपको सारा खुलासा करता हूँ। जी हाँ, प्रसाद में जो सेव संतरा अंगूर ऐसा रखा जाता है, आप क्या साल भर में आप आशा करें कि कितने बार आप फल को खरीद के खा सकते हैं? सेव अंगूर नारंगी आप कहेंगे 1-2 बार खा सकते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ होता है 10 दिन पर 15 दिन पर, उसमें आपको सब फलों का मिश्रण किया जाता है। और जो गांव में 5-10 घर जो होते हैं
उसमें किसी न किसी के घर पूजा पाठ होता है, जिसके कारण यहाँ प्रसाद रखा जाता है, जिससे भगवान भी खुश रहे और आदमी को संपूर्ण विटामिन मिले, इसके कारण प्रसाद रखा जाता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।